यस मैम, यस मैम। रिकॉर्डिंग हो रहा है, हो रहा है। चलो क्वार्टर में जम पड़ेंगे ना। यस मैम। चलो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वेयर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा मैं तुमको एक बात बता दूं, आप लोगों को पीपीटी बनाना आता है? यस मैम, यस मैम, तो आप लोग एक एक यस टॉपिक चूज कर लो, एक टॉपिक चूज कर लो दो जनों के लिए, आपस में बात करो और फिर दो दो पीपीटी बनाओ। मैम। किस पर? आप क्या आप मुझे बना के वेनेसडे जब आपका क्लास है यस उस दिन मैम, बता देना यस कि मैम, मैं इसकी बोल। यस आप लोग बता देना वेनेसडे को, कुछ उसमें किताब से देख के लिखो जो आप पढ़ोगे और कुछ वीडियो भी लो। मैम। एक हर बच्चा चैप्टर पे थिंक्स बनानी वर्ड्स है, टॉपिक पे? है। एक चैप्टर पर बनानी है, टॉपिक पे? नहीं, चैप्टर में से एक चैप्टर में से दो जने मिलके अलग अलग बना, जैसे इसमें है रोडवेज रेलवे वाटरवेज, तो उसकी वीडियो भी बनाना है, खाली लिखना नहीं है, टाइप नहीं करना है, टाइप भी करो और वीडियो भी दिखाओ, मिल जाएगा वीडियो तुमको तो यूट्यूब में मिल जाएगा सर। ठीक है बेटा, मैं जो नहीं है उनके लिए भी बोल रही हूँ, जो है उनके लिए भी बोल रही हूँ। और राधिका आगे से क्लास में आते वक्त स्कूल का ड्रेस पहनो, इट इज नो मोर एक्सेप्टेड दैट यू कैन वेयर एनीथिंग। जाइए जाके अपना टी शर्ट पहन के आइए, ये कंधा आधा आधा दिख रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, जाओ ड्रेस पहन के आओ। चलिए, वाटरवेज आर द चिपेस्ट चिपेस्ट फॉर कैरिंग हेवी एंड बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। पता नहीं वो जहाज बड़ा होता है, बहुत बड़ा रहता है, तो उसके अंदर रेणुका कहाँ चली गई? उनको ड्रेस पहन के रोज आती हो, ऐसे क्लास में प्रेजेंट रहना है। यू जब रिकॉर्डिंग होता ना तो तुम्हारा रिकॉर्डिंग में जो वीडियो बनती है उसमें किसी किसी बच्चे का आ जाता है, और ऐसे चितकबरा पहनिए, कंधा खाली है, उसको पहन के बैठिए, वो भी आएगा उसको। अनिल सिंह तेरे को थप्पड़ मारना मैंने, अनिल सिंह बुलाऊंगी नीलम भैया को, यस मिल मैम, गया येलो ड्रेस पहन के। यस मैम, तेरा ट्यूशन कहाँ है स्कूल का? तेरे को बात समझ में नहीं आ रहा है? क्यों आ क्यों रही है बोलूं, दोबारा बैठ, देखा ना थप्पड़ मारूंगी मैम? मैं। दे आर मेनली टू टाइप्स, इनलैंड वाटर एंड सी रूज। इनलैंड वाटर है मतलब नदियों में चलने वाले ना, और देश के अंदर चलने के, देश के अंदर। रेणुका तुम फिर कर, तुम ही मार खाओगी, तुम्हारी बचपन का रोना शुरू हो जाएगा। कोई नहीं करना ऐसे, देख लो ना, अभी बहुत सेंसिटिव टाइम है। इनलैंड वाटरवेज मतलब ज्यादातर देश के अंदर नदी नदी नदियां आपस में जुड़ी हुई है, और कभी कभी कोई अगर समुद्र के अंदर जाना है, चेन्नई टू इधर ऊपर आके कोलकाता तक, तो ठीक है, पर उसमें सीट जाती नहीं है। और एक सी रूट, सी रूट मतलब ओशन में, मेन ट्रेड तो ओशन में होता है, जो मर्चेंडाइज है, मर्चेंट नेवी है उसको। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स, कोई लेक में जैसे चिल्का लेक है बहुत बड़ा है, पुलिकट लेक है बहुत बड़ा है, लोग देखने भी जाते हैं सुंदरता लेक का, वो भी नेविगेबल है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ब्रह्मपुत्र में तो ये देखो बोर्ड जा रहा ना, इनलैंड दिखा रहा है, देखो ये ब्रह्मपुत्र में क्या करते। मेरी बहन अरुणाचल प्रदेश में रहती है, वो क्या बोलती है पता है? अनिल स्कूल का टी शर्ट पहन के आओ, हीरो बंदी कर रहा है। तुझे बात समझ में आ रही है नहीं? जनरल तेरे को कोई श्रद्धा नहीं है ना एपीजे अब्दुल कलाम जी के प्रति?
उनको लगा रखा है यहाँ पे स्कूल की यूथ में, जल्दी से हटाओ उनको, वो शिक्षा दीक्षा नहीं है तुमको, कोई टोकने वाला नहीं तुमको घर में, बहुत बुरा, बहुत बुरा हो गया। मैंने गलती कर दी पापा को अच्छा कह के कि तू बड़ा अच्छा बच्चा है, एक बार बोलने से सुनना चाहिए। अनिल तेरे को जोरदार थप्पड़ पड़ेगा, क्या कर रहा है अनिल, सही नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। देखो क्या बोला, हमें बोल रही थी वो लोग जो अरुणाचल प्रदेश जाते हैं ना तो ब्रह्मपुत्र पार करके जाते हैं, ब्रिज ही नहीं है तो उनकी बस चढ़ जाती है उसके ऊपर, फेरी के ऊपर, फिर वो लोग जाते हैं। काली तो, काली तो मैंने देखा था एक बेल, जिंदगी क्या है रखे जियो जिंदगी, इस तरह का कुछ है, बहुत ही अच्छा मूवी देखा मैंने, मैं कभी देखती नहीं हूँ, इसे खोला जीजे तो कुकिंग शो आता है उसमें तो देखा, इतना बढ़िया मूवी शाहरुख खान और आलिया भट्ट का है, और फिर उसमें कैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं, प्यार कैसे चाहिए माँ बाप को, कैसे माफ करना सीखना चाहिए हमको, ये सब चीज तो उसमें देखा कि ना एक बड़ा सा ऐसा था उसके अंदर लकड़ी का ही, उसमें सब खड़े हैं आदमी लोग, गाड़ी खड़ी है और चीजें उसके ऊपर है, उस समुद्र से इस तरफ आ रहा है शायद गोवा के पास में, तो ऐसे इनलैंड वाटर इसके ऊपर, इसके अंदर लोग भी बैठे हैं ना, इसमें गाड़ियां भी चढ़ जाती है, नाव में तो साइकिल ही नहीं जाती लोग, जनरल नाव में बिना इंजिन से, तुम लोग कहाँ देखोगे, तुम्हारे इधर इतना बड़ा नदी नहीं पार करने के लिए, और मेरी बहन बोलती बस पूरा चढ़ जाती है उसके ऊपर, बस के अंदर वो लोग बैठते हैं, नदी नदी के ऊपर उनका बोट टाइप चीज जो है वो फेरी, और उसके ऊपर बस, बस के अंदर मेरी बहन, उन लोग भी है। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज मल्टी जेट पहली कौन बात कर रहा है, कहाँ पहन लिया तूने अनिल सिंह, मैं टी शर्ट पहन के आओ स्कूल का ड्रेस, हाँ और चुपचाप बैठो क्लास में, और जेन्युइन मूव ऑन, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आई हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं, लिखित में प्रिंसिपल सर को कंप्लेन दूंगी मैं, तुमको निकाल देंगे हम क्लास से, बुद्धि विवेक कुछ नहीं है तुमको, कोई कुछ सिखा तो सीखने को दिए रेडी नहीं है, चलिए कंट्री टू अनदर कंट्री टू अनदर, दीज रूट्स जो सी रूट्स है एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज, सब मर्चेंडाइज खरीदने बेचने के सामान, हमारे देश से सामान जा रहा है, शिपिंग होता है बोलते हैं शिपिंग, एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर, ये इंटरनेशनल है, सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, मुंबई में मैंने बोला था तुम्हें, एंड न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स वो भी यूएसए में, एंड नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंडन एंड रोटरडम इन यूरोप, कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की पोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, आपको बोला था फाइंड आउट द पोर्ट्स, ये जो एक मैप दिया ना इसमें ऐड है, ये तो इंडिया ही नहीं दिखा रहा है, कोलकाता दिखा रहा है, इधर ही चेन्नई मुंबई ये सब दिखा रहा है, पोर्ट्स चेन्नई में, मैंने आप लोगों को पूछा था ना चेन्नई का वाटर वाटर का पोर्ट जो है सी पोर्ट, उसका नाम क्या है, किसी को याद है, नहीं है तो लिख रखो, फिर से मैं पूछूंगी एग्जाम में पूछूंगी, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो पूछूंगी, चेन्नई का पोर्ट का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश की बात हुई थी इसके साथ, ये रेणुका यादव के साथ, विशाखापट्टनम भी एक बहुत बड़ा पोर्ट है, चेन्नई में जो पोर्ट है उसका नाम है ट्यूटीकोरिन, टी यू टी आई सी ओ आर आई एन, ट्यूटीकोरिन लिखो, मुझे ये क्यों बोलना पड़ता है लिखो,
ट्यूटीकोरिन और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप, बहुत बड़ा पोर्ट है पारादीप, और उसके बाद कोलकाता है, कोलकाता है वो डायमंड हार्बर, इस तरफ नीचे आ जाओ, चेन्नई हो गया, केरला का मालूम नहीं मुझे, मुंबई, मुंबई एक तो मुंबई पोर्ट है, एक मुंबई में जवाहरलाल नेहरू की पोर्ट है, गुजरात में कांडला, कांडला है गुजरात, ऋषिका लिख नहीं रही हो, कांडला गुजरात देख रही गुनगुन करके, दोबारा ये हरकत नहीं करना, डोंट प्ले विद द रेस्पेक्टेड पर्सनालिटीज। चलो बेटा, एयरवेज, दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, हमने ये भी पढ़ा था। Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas. जहाँ पे नहीं जा सकता कोई, helicopter जाता है। Helicopter को भी और भी क्या नाम से जानते हैं पता है तुमको? पवनहंस। क्या है? क्या नाम है? पवनहंस। हेलीकॉप्टर को बोलते पवनहंस। अनिल तू मत लिख, जब एग्जाम में आएगा ना फेल हो जाना, ठीक है? हेलीकॉप्टर को पवनहंस भी बोलते हैं। जहां कुछ नहीं पहुंचता वहां हेलीकॉप्टर पहुंचता है। It is the only mode of transport, देखो बोल रहे हैं कौन सा, हेलीकॉप्टर, only mode of transport to reach the most remote and distant area. मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ मत करो, इधर स्पीकर में डिस्टर्बेंस आ रहा है, रणुका कर रही थी। Where there are no roads and railways, helicopters are extremely useful in most inaccessible areas. And in time of calamities, rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. जैसे कि बाढ़ आ गया, earthquake आ गया, ऐसे time पे helicopter, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, helicopter पहुँच के सब distribute करता है. Some of the important airports are Delhi, Mumbai airports. Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. जो आप और हम पढ़ रहे हैं ना, क्या है जो मैं बोलूं आप सुन सकते हो? यस मैम। और आप जो बोल रहे हो मैं सुन सकती हूँ। व्हाट इज इट कॉल्ड? कम्युनिकेशन। यस, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये बहुत अच्छी बात, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, और रेडियो में न्यूज आता है, टेलीविजन में कोई सीरियल आ रहा है, हम तो पहुंचता है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन। और एक टाइम पे कितने हजार करोड़ लाख लोग सुनते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों? विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल तो यहाँ दबाया नहीं बटन और वहां पहुंच गया तुम्हारा मैसेज। जनोल, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश की वीआईपी है, यू कैन नॉट प्ले विथ हिम। और वो किसी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते, चाहे तुम्हारे कम्युनिटी का वो पैदा हुए थे, बट उनको ब्राह्मण फैमिली ने उनको करा था। खैर वो बहुत बड़ी बात नहीं है।
क्या हो गया? तो इसीलिए उनके उनको लेके ज्यादा ज्यादा करना नहीं है, वो हमारा भी हमारे लिए भी उतने ही रेस्पेक्टेड है जैसे जनवरी के लिए। ओके, मैं विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फिगर 7.10 किधर है देखो, 7.10 के नीचे प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नीचे दिया है। Explains the evolution of the communication system. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain through newspapers, radio and television. We can communicate with a large number of people. They are called mass media. मैंने अभी बोला था लाखों करोड़ों लोग देखते हैं सीरियल। हम बोलते हैं अरे तुमने देखा हो गूगल में, नहीं क्या है वो गली गली सिंह सिंह। सुब्रा बोलती है हाँ मैं भी देखती हूँ। सुब्रा तुम देखते हो आज? yes, मैं मॉर्निंग में आता है। हाँ देखो ये देखती है, मैं देखती हूँ, और भी बच्चे देखते हैं। कैसी भी इट इज कॉल्ड मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा जनो? शांति से चुपचाप बैठो एक जगह में, सब हो जाएगा ठीक। शांति से बैठो, कैमरा वैमरा को हाथ मत लगाओ, डोंट टच एनीथिंग, जस्ट सिट क्वाइटली एंड लिसन। तो मास मीडिया, द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। ऊपर ना सैटेलाइट मतलब उपग्रह, एक हम लोगों ने मैन मैड छोड़ दिया ऊपर, और वो क्या करता सब संदेशा भेजता है। अभी ओडिशा में बहुत बड़ा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा बहुत तूफान बड़ा आ रहा है। हमेशा इसी महीने में कार्तिक के महीने में ये तूफान आता ही आता है, कभी फाइलिंग, कभी हुदहुद, कभी कुछ। अभी आ रहा है, वेव बंगाल की मिडिल में एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ, वहां से वो आ रहा है। पहले बहुत हवा होगा, हवा चलेगी और फिर बारिश तो ऑलरेडी शुरू हो गई ओडिशा में। ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा का बैड लक। सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, और ये भी मैसेज भेजते हैं वेदर कैसे रहेगा। सैटेलाइट्स हमको सब पहले से बता देते, रेडियो एंड टेलीविजन, वी कैन कम्युनिकेट विथ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे आर देयर फॉर कॉल्ड मास मीडिया। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर, सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन। किधर ऑयल है बता देता है, हमको डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं, उसको बटन दबाते टाइप कर देते हैं बता देता है, कोई सिस्टम होगा उनका। सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, उनको भी लगता है भाई कैसे सर्वे करते फॉरेस्ट, शेर वेर सब है खा जाए काट देंगे। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर, सैटेलाइट ऑयल एक्सप्लोरेशन अंडरग्राउंड वाटर, पानी कितना है नीचे, यहाँ कुआं खोदे कि नहीं खोदे, इधर हम वो क्या है बोलते हैं वो कौन सा कुआं, डिपो वेल नहीं, उसको कौन सा वेल बोलते हैं जो इसे पानी नीचे से निकालते, ट्यूब वेल, मिनरल वेल्थ, सोना कहीं है कहीं कुछ है वो देखना है, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर। तो लोग थोड़ा सावधान हो जाते हैं, पहले कुछ पता नहीं था, डूब के तैर के मरते थे लोग। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल्स थ्रू इंटरनेट, वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेल्युलर फोन्स have become very popular today. Internet not only provides us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, always and even cinemas and hotels sitting at home. With this kind of
interconnectivity of people, services, and institutions across the world, we are a large global society. Large global society. वैश्विक समाज है हमारा, पूरे विश्व विश्व हमारा समाज. हम उसको संस्कृत में क्या कहेंगे कौन बता सकता है? एक प्रेयर है, सारा संसार हमारा परिवार है. क्या बोलेंगे? वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम. टीवी में आता नहीं गाना? उदार चरितानं वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंब. सारा विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, वसुदैव कुटुंबकम. क्वेश्चन आंसर हो जाएगा भाई बच्चा लोग? कंडक्ट सर्वे इन योर लोकलिटी. छोड़ो अब क्या कर सकते हो, फिर भी देखते हैं क्या कह रहा है. जो जो स्क्रीन के बिहाइंड में है उन्होंने भी सुना होगा, तो स्क्रीन के बाहर है, स्क्रीन में है, दे आर ऑलरेडी लिसनिंग. अच्छा ये बोल रहा है, फॉर फन कंडक्ट सर्वे इन योर लोकलिटी एंड फाइंड आउट हाउ पीपुल कम्युनिकेट टू देयर रेस्पेक्टिव वर्किंग प्लेसेस. दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप मन में करो. मोर देन टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखो. कैसे पहुंचते हैं अपने काम की जगह में, काम की जगह से घर में, तो सीधी साधी बात. कार है, स्कूटर है, साइकिल है, तुम लोग भी आते हो स्कूल, अपने आप लिख देना उसको. ये खुद करना, डू बाई योरसेल्फ लिखा. और ये भी कर सकते हो आप, एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपको. आप जो नेक्स्ट देख के आंसर लिख रहे हो ना, स्टॉप डूइंग दैट. यू कैन टेक हेल्प नेट. एग्जाम में आप लोगों ने सब नेट से कॉपी बनाया, टेक्स्ट बुक यूज नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी. बहुत सारे बच्चों तो देख के लिखा है जी. मेरे पास नेट के आंसर था, क्योंकि पेपर मेरा नहीं था, किसी मैडम का था. जो उनका मार्किंग स्कीम में आंसर है वही तुम्हारा है. शी डिड नॉट टीच यू, हाउ डिड यू गेट? तो टेक्स्ट बुक से ढूंढो. व्हेन यू ट्राई टू डू सर्च इन द टेक्स्ट बुक, आपका नॉलेज बढ़ेगा. यू विल लर्न हाउ टू फाइंड आउट आंसर. वहां से कॉपी करके लिख देते हो, क्या फायदा? डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी, आई नो एवरीथिंग. इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई मुझे पता चला है. ओके, मेज द कॉलम देखे. एरियाज वेयर पीपुल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज, बताओ कौन सा एरिया? अर्बन. यस, मैं अभी तुमको बताती हूँ. कोड में आप लिखो 3, 4, 2, 1. कैसे लिखोगे? पहला वाला 3 हो गया, उसके बाद वाला 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है. 3, 4, 2, 1. Which is not a means of communication? Telephone, books, table. बोलो इमांशु. मैम टेबल. हाँ तो बोलना चाहिए ना, उधर बोल रहे. मैं लिप्सिंग से समझ रही हूँ. मैं कोई वो हूँ. Which type of food is road is constructed under the ground? Subway. Yes, sahi hai. Which mode of transport is most suitable to reach an island? Ship. हाँ पानी है ना. मैम एपीजे अब्दुल कलाम. मैं जब जाऊंगी सर प्रिंसिपल सर को बोलता हुआ जाऊंगी, बोलती हुई जाऊंगी. सर वो एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो छाप रखा है उसके घर में, कोई उसको गाइड करने वाला नहीं. जनू जरा पापा को बुलाना, बात करूं पापा से. तुम क्यों एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो लगाने के लिए, किसने सजेस्ट करा तुमको? यहाँ तुम्हारी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है.
Which vehicle does not pollute the environment? साइकिल साइकिल है ये जो साइकिल है ना चाइना में लोग हमेशा साइकिल चलाते हैं। चलिए हो गया ये मैंने आज होमवर्क दे दिया। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन इसको खत्म करना है हिस्ट्री में जाना है स्केल में जाना है फिर रिविजन चालू करनी है टेस्ट आ जाएंगे तो तुम्हारा भी नहीं खुल रहा है इसलिए तुम्हारा प्रेजेंटेशन चलेगा दूसरा दूसरा नेक्स्ट चैप्टर में चलो क्या करे सुब्रा किताब क्यों बंद कर दिया अभी तुम बंद क्यों कर दिया मैम आई वाज देखो किसका नाम आ रहा है देखो किसका नाम आ गया तुम्हारे क्लास की लड़की का बुक में देखो वही जो लड़की रोंदू है रेणुका वो एक्साइटेड हमें क्या मतलब है अगर वो एक्साइटेड हो रही तो क्यों एक्साइटेड होती देखते तो चुपके से पढ़ लेते क्यों एक्साइटेड है श्रीकांत अंकल वॉज ए होम आफ्टर ए गैप ऑफ नियरली फोर मंथ्स ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फोटोग्राफर एंड ट्रेवल्ड वाइल्डली रेणुका'स इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ and forests began at an early age. When her uncle introduced her to books on nature, pictures of distant islands, distant lands, and people who lived there always fascinated her. In these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world, some from dry deserts, some from frozen lands, and some from hot wet rainforests. They look so different from me, observed Renuka. They may look different, but they share the same basic needs of life, food, clothing, and shelter, explained Srikanth Anga. Their children do the same things as you probably do, play games, quarrel sometimes, and then make up, think, dance, and help the family with various things that need to be done. They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature. They learn how to catch fish and how to collect material from the forests. Ab dekho in chapter 8, 9 and 10 you learn about the life of people in the different natural regions of the world. See, what I am trying to tell you is that what the book it is written that I want to tell you is that that book tum jante ho jo jis mahol mein rehta hai wohi cheez sikhta hai if you are living in a colony life in colony mein reh rahe ho colony life to aap kya karoge you will pick up things what you learned from the colony life is very close गांव में हड़दम मचाने वाले बच्चे होते जैसे कि मैं हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे कभी किसी तालाब में घुस रहे कभी कहीं जा रहे कभी बॉयज पेड़ में चढ़ रहे ये सब अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ नहीं है अगर आप यहाँ पेड़ में चढ़ जाओगे दूसरे आंटियां दौड़ आएंगी अरे सुब्रा तो पेड़ में चढ़ी थी क्यों नहीं चढ़ सकती हो पेड़ में सब कुछ नियंत्रित आप जोर से बात नहीं कर सकते दूसरों को डिस्टर्ब हमारे टीचर्स ब्लॉक में चले जाओगे ना इट इज सो क्वाइट सबसे ज्यादा शायद लाउड मेरा ही टीवी है मैं बहुत लो रखती हूँ फिर भी लाउड हो जाता वो गली गली सिम सिम सुनने के लिए तो मैं बहुत तेज करती हूँ फिर मैं कुछ काम कर रही होती हूँ द वे दे स्पीक मुझे तो एमओ बहुत पसंद है ना आज तो सुबह वो डब्बा रख के बैलेंस कर रहा था सिर में तो कहने का मतलब ये है आप जिस एनवायरनमेंट में रहोगे जैसे रेणुका को कुछ नहीं मालूम क्यों नहीं मालूम अपने घर के बारे में नहीं मालूम उसका गांव किधर आंध्र प्रदेश के रहने वाला कुछ नहीं जानता अब आंध्र प्रदेश का खाना बना के वो दिखा रहा टीवी में मिर्ची वड़ा बना रहा था वो इतना मोटा मोटा मिर्ची ले ओ बाबा वो तो राजस्थान में फेमस है फिर वो आदमी बना रहा है मिर्ची वड़ा उसके अंदर डाल रहा मतलब रेणुका मिर्ची खाती है
बिल्कुल नहीं भाई, तुम लोग रसम और क्या है उसको चारों वैसे कुछ खाते नहीं हो? मैम थोड़ी सी साउथ इंडियन से मराठी लोग ज्यादा मिर्च खाते हैं। तो मिर्च बड़ा बना रहा और एक क्या कौन सा उसके ऊपर चना दाल फाल पीस के ऊपर डाल के खा रहा है, कह रही आंध्र में बड़ा फेमस सबके घर में बनता है। लाइफ इन द अमेजन बेसिन, अब अमेजन नदी देखो इट इज क्या है, जनू लूटपुट कर रहा घर में पता है, जनू स्थिर बैठो ना, तुम्हारे पास कौन है और देखो पूरा कैमरा को इधर से उधर कर रहा है, क्या मैं इसको बंद कर सकती हूँ? जैसा को जैसा को बुलाती हूँ जैसा मैं ब्लॉक है, सुंदर भैया को फोन कर देती हूँ उसको ब्लॉक कर दो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लेटा हूँ लेट के लोटपोट कर रहा है। हेलो संगत भैया थोड़ा ऊपर आ जाना, एक बच्चा बहुत गड़बड़ कर रहा है उसको ब्लॉक करना है, थोड़ी देर में आओगे? अच्छा ठीक है चलो आ रहे हैं। बिल्कुल अमेजन रिवर कौन से देश में है? साउथ अमेरिका। वो अमेजन जो है ना एक वो भी है ना इसका ऑनलाइन शॉपिंग का अमेजन होता ना क्या है फ्लिपकार्ट, तुमको पूछा है जब तो शांत नहीं होगा कुछ नहीं बोलो और शांत आत्मा से बात नहीं कर। तो अमेजन रिवर में व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? अमेजन नाइल। अमेजन नाइल जो अमेजन बोला उनका दो जो सेड अमेजन इट इज रॉन्ग टोटली रॉन्ग, और इसने नाइल बोला नाइल इज द करेक्ट लॉन्गेस्ट रिवर, पर अमेजन में ज्यादा पानी इट डिस्चार्जेस लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द सी, बहुत पानी है। देखो ये अमेजन बेसिन दिखा रहा है इधर नीचे नीचे आपका मैप है। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप, ये नीचे वाला मैप देखो 8.2 तुम लोग देखना मैप मैं पढ़ रही हूँ। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, ये 10 डिग्री है ना ऊपर देखो 0 डिग्री में ही तो है वो इक्वेटर, वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, नहीं नहीं 10 डिग्री नहीं 0 डिग्री है, ये पूरा लाइन खींचा हुआ है देख देख रहे हो इक्वेटर, इक्वेटर से पास कर रहा है very close between 10 degree north and 10 degree south, so it is referred to as the equatorial region. The river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. The place where a river flows into another body of water is called the river's mouth. जहाँ पे पानी गिर रहा है समुद्र में ना उसको बोलते हैं नदी का मुहान, नदी का मुंह है जहां से पानी गिरता मुहान है बोलते माउथ ऑफ द रिवर। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन, आप देख रहे कितनी सारी रिवर ज्वाइन किया है, किचड़ 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 जा रहा है केंचुआ टाइप। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. ये देखो ये Atlantic Ocean है इधर। Pacific Ocean का ही हिस्सा Atlantic Ocean इधर। चलो फिर द प्लेस आप लोग अगर एटलास है ना एटलास में भी देख लेना बहुत अच्छी तरह से दिया होगा, इसमें भी दिया है साफ सुथरा। द माउथ न्यूमरस ट्रिब्यूटरी जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन, द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राजील पार्ट्स ऑफ पेरू, दिख रहा है आपको ब्राजील पेरू दिख रहा है
Can you see it on the map? आप नहीं देखोगे तो अभी yes, ma'am. नहीं देख सकते. ब्राजील, पेरू, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ. बोलिविया, इक्वेडर एंड देन कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला. पूरा ऐसा बह रहा है अमेज़न. कितना पानी है उसमें. नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू व्हिच द इक्वेटर पासेस. कहाँ कहाँ इक्वेटर पास करा देखो और बताओ. जिस बेसिन में अमेज़न बह रहा है, जहां पे इक्वेटर पास करे, उसमें जो जो कंट्री उनका नाम बताओ. इक्वेडर मिला नहीं. बोल बोलना है. बोलो. यस मैम. यस मैम. और क्या है? कोलंबिया. कोलंबिया में कहाँ है? ब्राजील. ब्राजील है. पेरू है. पेरू. गुआना में भी थोड़ा सा है. सुरीनाम में भी है. सुरीनाम. चलो अगर हम मैप मैप अगर सीख जाओगे ना देखना, फिर तो कुछ नहीं चाहिए. तो तुम मालिक हो जाओगे पूरा सारा नॉलेज का. ओके. नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू व्हिच दिस. नहीं नहीं कहाँ है? ब्राजील में कहाँ इक्वेटर पास कर रहा है? हाँ ब्राजील ही तो ये बड़ा है. ऊपर की तो नॉर्थ की तरफ है. क्लाइमेट. एज यू नो नाउ As you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate. Hot and wet climate का मतलब क्या है? कि ये दिन भर तो गर्मी बहुत ज्यादा करता है और शाम होते ही बारिश चालू. Hot and wet. जैसे जुलाई और अगस्त में आपको होता ना पसीना आ रहा है, चिपचिपाहट हो रहा है शरीर में, होता कि नहीं होता? खेल के आते जहां बैठते छाप छोड़ जाते. गिला गिला गिला. बात समझ रहे हो मेरी बात? हाँ. असेंबली हॉल में बच्चे बोलते देखिए मैडम पूरे गीले कपड़े में बैठे. बच्चे पूरे खेल के आते तो पूरे भूत ही भूत है. ओ मैडम बड़ा गर्मी लग रहा है. भाई खेल क्यों रहते? मिश्रा सा दौड़ा है काला लाल एकदम हनुमान पता नहीं क्या क्या बन के आते प्ले ग्राउंड से. मेरा क्लास में मरे जा रही पढ़ाने के लिए. बाई हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड द स्किन फील्स स्टिकी. जरा ध्यान रखना और ऐसे ऐसे टच करना अपने. अभी स्टिकी नहीं, थोड़े दिन पहले वो स्टिकी थी. दिन में 3,000 गाउन चेंज कर. मैं तो रोज ही बिस्तर से चादर निकाल के फेंक देती. क्या है ये उसमें? कल भी रात को मुझे गर्मी लगा, नींद नहीं आई, चटाई बिछा लेट गई, नींद आ गई जमीन पे. बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड. दोनों रात को भी तो गर्मी होता, बारिश होने से क्या हुआ? गर्मी और मकोड़ा, कीड़े मकोड़े घूमते हैं, बड़ा बड़ा चींटा चारों तरफ घूमते रहते हैं. वो तो झिंगुर तो क्या बताऊं. द स्किन फील्स स्टिकी. It rains almost every day. That too without much warning. कुछ बिना बताए कहीं पे बारिश हो गया. आदमी जा रहा रास्ते में हो गया गीला. The day temperatures are high. बहुत गर्मी दिन में. With very high humidity. बहुत humidity मतलब बहुत पसीने में चिपचिपाहट. अरे समझो भैया कहाँ गया? आया ही नहीं. इतना काम है क्या है? मैं फिर से बता. हाँ हेलो भैया आप आए नहीं अभी तक. कितना उल्टा लटक रहा है वो. टाइम लिख दे रहा जनरल. देखो मैम आपका टाइम हो गया. तेरा टाइम नहीं. तेरा टाइम में बुलाया था भेज सर भैया को. क्या भैया लेट मत कर आ जाओ. इसको इसको ब्लॉक करना है. चलो बेटा दो लाइन और है उसको पढ़ लेते हैं.
At night the temperature goes down but the humidity remains high. बहुत गर्मी लगता है आजकल लोगों ने इसीलिए एयर कंडीशन समझ लिया है. सुब्रा एयर कंडीशन में सोती है? Yes, ma'am. इसीलिए उसको चिपचिपाव समझ में नहीं आता है. चलो हमारी क्लास हो गया, अभी हम क्या करेंगे? शांति पाठ. तू क्यों उछकता फिर रहा है भाई? ए रुक जाओ, आज तो मैंने बड़ा गड़बड़ करा है. तुम्हारी अटेंडेंस नहीं ली, अब तो पहुंच जाती हूँ पूरी तरह से. जो भी 14 बच्चा है यहाँ, 14 ओनली 40. थैंक यू मैम, बाय मैम. जनरल मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ. मैम मैं कल आपको प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ? थैंक यू मैम. सायरा मैम बाय. सायरा मैम थैंक यू. सायरा मैम.